दोस्तों ये है जी हमारा बोगेनविलिया, ऑरेंज कलर का देख रहे हैं। और बरसात के अंदर आप देख सकते हैं कि हमने इसको छोड़ दिया था ऐसे ही, और आप देख सकते हैं कितनी अनकंट्रोल्ड वे के अंदर जहाँ मर्जी जा रहा है जी, जहाँ मर्जी फूंक रहा है। और आप देख सकते हैं कैसे झाड़ियाँ सी इसकी ये बन गई हैं, देख रहे हैं कितनी ऊँची ऊँची हमारी ये बन गई हैं जी ब्रांच। बरसात तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त तो बहुत ही ज़बरदस्त बरसात हुई है, जो प्लांट के लिए है जी बहुत बढ़िया। ठीक है, तो हमने चाहा कि हम इसकी थोड़ी टहनियों को काट दें और आपके साथ करें जी शेयर। ठीक है, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं कि अक्टूबर पूरा है, नवंबर पूरा है, ठीक है, तो 2 महीने तक अभी आप देख सकते हैं इसके ऊपर फ्लावरिंग होगी। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे डोरमेंसी में चला जाएगा, यानी कि दिसंबर और जनवरी के अंदर, फरवरी के अंदर आप देखेंगे फिर दोबारा से इसके अंदर आएगी जी ग्रोथ। तो अभी हमने चाहा कि हम इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दें, यानी कि नीचे की सारी जितनी भी पत्तियाँ हैं ठीक है इसको काट दें। ठीक है, तो थोड़ा सा हमारा नीचे से भी साफ़ सुथरा लगेगा और ज़्यादा घना हमारा ये प्लांट हो जाएगा। देख रहे हैं अभी हमने बीच के अंदर यहाँ से काटी थी ये, ठीक है आप देख सकते हैं ये 2 निकल गई हैं। ठीक है, ऐसे ही हमने यहाँ पर काटी थी, देख रहे हैं आप ये 2 निकल गई, और ऐसे ही हमने यहाँ पर काटी थी और ऐसे ही आप देख सकते हैं 2-3 ये निकल गई हैं। लेकिन कुछ टहनियाँ ऐसी हैं जो अभी आप देख सकते हैं नीचे से निकली हैं जी, ये आप देख सकते हैं ये टहनी हमारी नीचे से आई है जी। ठीक है, और ये कितनी लंबी ये हो गई है, अब ज़्यादा लंबी हमारी ये हो गई। ठीक है, तो हम इसको भी यहाँ से सेंटर में से काट देंगे जी हाफ बिल्कुल। ठीक है, ठीक है ये हमारा कट गया, अब हमने इसको यहाँ से काट दिया है। आप देखेंगे थोड़े दिन के बाद यहाँ से भी 1-2 टहनियाँ इसकी निकल जाएंगी। ठीक है, एक आप देख सकते हैं ये हमारी ऊपर डाली है, तो हम इसको भी कट देते हैं जी कट। ठीक है, ये कट हो गई, और एक ये भी हम कर देते हैं जी कट। ठीक है, तो नीचे की आप देखेंगे हम टहनियों को काट देंगे, जिससे देखने में भी आसानी होती है कि हाँ जी मिट्टी कैसी है। ठीक है, और इसको भी हम यहाँ से काट देते हैं जी। और नीचे आप जितनी भी आपकी टहनियाँ निकलती हैं छोटी छोटी, आप उसको ऐसी हाथ से नोचते रहें जी वक्त रहते रहते हैं। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं हमारी ये कुछ टहनियाँ ये नीचे लटक रही हैं। ठीक है, तो इनको भी आप काट दें। आप फोकस रखें कि आपका प्लांट ऊपर से हो जी घना, नीचे से सिर्फ डंडियाँ नज़र आनी चाहिए, जो एक तरीका हो जाए जी बेस्ट। ठीक है, ठीक है, तो नीचे की हम सारी डंडियाँ ये काट देंगे, क्योंकि बरसात के अंदर हमने ज़्यादा फोकस किया नहीं। ठीक है, लेकिन बरसात अभी आप देख सकते हैं हल्के हल्के थोड़े दिन के बाद हो जाएगी जी। ठीक है, तो नीचे की आप जितनी मैक्सिमम टहनियाँ हो सकें इनकी काट दें। देख रहे हैं ये इतनी सारी टहनियाँ हमने काट दी हैं। ठीक है, अब इसमें से कोई टहनी ऐसी तो है नहीं जिससे हम कटिंग को ग्रो कर सकें, क्योंकि कटिंग के लिए छोटी मोटी टहनी चाहिए। ठीक है, तो इनको हम क्या करेंगे बारीक बारीक काट देंगे, और हम इसको ऐसे ही डस्ट पॉट के अंदर अपने ग्रो बैग के अंदर डालते रहते हैं और उसके ऊपर मिट्टी डालते रहते हैं। ये वक्त रहते हैं आप देख सकते हैं खुश्क हो जाती हैं और मिट्टी के अंदर गलकर सड़कर मिल जाती हैं, जो अपने आप में बन जाती है जी एक बहुत पावरफुल खाद। देख रहे हैं ये हमारा कटिंग हो गई है जी हमारे बोगनविलिया की। ठीक है, तो थोड़े दिन के बाद हम आपके साथ करेंगे जी शेयर, जब इनकी नई ग्रोथ होगी जी स्टार्ट।